हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन क्लास डाल चुका हूँ, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको पोस्टुलेट एंड एक्सियम और थ्योरम और साथ ही साथ डिफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया, जाकर उसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उन 5 पार्ट्स में क्या है कि आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है, और क्यों गलत है और क्यों सही है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अगर है ट्रू तो ट्रू का रीजन दीजिए, अगर फॉल्स है तो उसका रीजन दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला पार्ट इसका क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। क्या आएगा इसका आंसर, फॉल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फॉल्स क्यों है, मैं इसका रीजन बता दे रहा हूं, देखिए क्यों, सिंस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, थ्रू अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास। मैंने इसको आपको बताया भी था, इसके थ्रू उसमें एक्सियम और पोस्टुलेट में मैंने इसमें डिस्कस भी किया था कि एक पॉइंट, अगर एक पॉइंट यहाँ पर सिंबल बन रहा है तो इसमें कितने लाइन बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को क्या कर सकते हैं हम लोग, पास कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बना के भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए आप कितने लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, बहुत सारे लाइन, ठीक है, आप देख सकते हैं, और भी इसमें आप लाइन खींच सकते हैं, मैं इतना ही छोड़ देता हूँ यहाँ पर। बहुत सारे लाइन आप एक एक पॉइंट से क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा, इसका रीजन भी हमने लिख दिया। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। नहीं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, कह रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दो पॉइंट से सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, दो पॉइंट से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, फॉल्स, सिंस थ्रू, सिंस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास। मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर ए नाम लीजिए, बी ले लीजिए, तो अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उसे सिर्फ एक सिंगल लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है इस पहले क्वेश्चन का, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनेटली ऑन बोथ साइड। यस, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सियम में पढ़ा था, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है एक्सियम में, पोस्टुलेट में। खैर चलिए इसको समझते हैं, क्या इसका आंसर होगा, ट्रू हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। रीजन क्या लिखेंगे, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनेटली ऑन बोथ साइड। जैसे मैं एक लाइन ले लेता हूँ, कोई भी लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, हमने ये लाइन सेगमेंट लिया, इसका ये नाम हो गया, ए बी नाम है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इधर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट क्या कह रहा है इसका, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक रेड सर्कल बनाया जिसका सेंटर ये है और हमने ये बनाया, दोनों को दोनों क्या है, सेम है, तो इनका रेडियाई भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आर अगर आर दोनों सेम होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्साइड कर जाएगा। कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ढक लेना, एक दूसरे के ऊपर एकदम कंप्लीटली मतलब छुपा लेना, ढक लेना, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे ट्रू, हाँ ट्रू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ ये बात
सच है। क्या दो सर्कल के अगर इक्वल है तो उनके रेडियाई भी क्या होंगे, इक्वल होगा, रेडियस भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ट्रू लिखेंगे इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर सेंटर, सेंटर भी इसका इक्वल होगा, एंड सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब जो बाहरी उसकी लाइन होती है उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये हमारा लाइन पूरा जो है हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस होता है। तो मतलब सर्कल सेंटर एंड सरकमफ्रेंस विल कॉन्साइड एंड हेंस, मतलब कॉन्साइड भी करेगा और हेंस क्या करेगा, देन रेडियाई विल ऑल्सो इक्वल। सिंपल सा बात है कि अगर दो सर्कल अगर आपस में इक्वल है तो उनके सेंटर भी सेम होंगे, उनके सर्कमफ्रेंस भी सेम होंगे, उनके रेडियस भी सेम होंगे, मतलब वो पूरी तरीके एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो कि इसका 5 पार्ट है। देखिए 5 पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का। इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी किसके बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है एंड पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई है, मतलब क्या ऐसा होगा। तो हाँ लिखेंगे कि हमने पढ़ा था किसमें, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम, जो पहला एक्सियोम था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, मतलब कोई दो लाइन अगर आपस में इक्वल है और दूसरी लाइन तीसरे के इक्वल है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई इज ट्रू, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहां पर आप ट्रू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स, ठीक है, यहाँ पर यूक्लिड्स लिख लीजिएगा, UCLIDC यूक्लिड्स। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 मतलब फर्स्ट पार्ट के 5 पार्ट तक हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट तक हम लोग आ चुके हैं, इसको अच्छे से कर लिए हैं और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू वाई एक्स वाई इज ट्रू, मतलब कि यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि ए बी एंड एक्स वाई विल बी इक्वल टू ईच अदर। यही हमारा पहला एग्ज्यूम था कि समझ में आ गया होगा, इक्वल टू ईच अदर पहला एग्ज्यूम है था कि कोई भी दो लाइन अगर हैं, अगर आपस में इक्वल, जैसे ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल, तो ये आपस में तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट को हमने बहुत ही अच्छे से समझा और इसको किया, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने जो भी क्लासमेट हैं आपके जूनियर उनको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।